हाय, मैं हूं शेफ एडी और आप हैं मेरे साथ में मेरे किचन में, यानी कि कुकिंग स्टूडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये हमने कहावत बहुत सुनी है सभी के मुंह से, बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज भी किचन में ये आप अपनी सिस्टर से या मदर के मुंह से और अपनी वाइफ के मुंह से सुनते होंगे। उसी चीज़ को आज उस टॉपिक को मैंने उठाया है, घर की मुर्गी दाल बराबर। वैसे इस घर की मुर्गी दाल बराबर लोग क्यों बोलते हैं कि लोग किचन में जो खाना बनाने वाला है उसमें कोई भी हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे बहन हो या माँ हो, वो इतनी मेहनत से कोई डिश बनाते हैं और वो जब सर्व करते हैं तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई उनकी तारीफ़ करे। जब तारीफ़ नहीं मिलेगी तो फिर क्या बोलेंगे वो कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ये जो वर्ड है घर की मुर्गी दाल बराबर, ये जो है सुनने में बहुत बुरा सा लगता है, क्योंकि जो बंदा खाना बनाने वाला है वो इतनी मेहनत से खाना बनाता है और उसको एंड में क्या मिलता है, ज़ीरो। तो और ज़ीरो मिलने का कारण क्या है कि हम लोग डेली ही वही रूटीन में वही रेसिपीज़ को बना के अपने घर में सर्व कर रहे हैं, तो डेली एक ही टेस्ट, एक ही फ्लेवर खा खा के सभी लोग बोर हो जाते हैं और फिर तो धीरे धीरे वही डिश हमें बेकार लगनी शुरू हो जाती है और हम लोग क्या कहना शुरू कर देते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। आज मैं जो इस टॉपिक को करने वाला हूँ, ये बहुत ही सिंपल रेसिपीज़ हैं घर की और जिनको मैं थोड़े से ट्रिकी और ट्विस्ट के साथ में थोड़ा सा चेंज करूँगा, जिससे कि हमारी जो रेगुलर बनाने वाली सब्जियाँ हैं उनमें थोड़ा सा जायका आ जाए, थोड़ी सी वो अच्छी बन जाएँ। तो चलिए मेरे साथ में और बने रहिए, बनाते हैं आज की सब्जी। और आज की सब्जी है अचारी अरबी, और इस अचारी अरबी को जनरली हम लोग जो घर में खाते हैं वो अजवाइन के तड़के में और हल्दी नमक के साथ में थोड़ा सा नींबू डाल के हमारे घर में मम्मी या मेरी हमारी वाइफ या हमारी सिस्टर्स बना के खिलाती हैं हमें। तो इस रेगुलर डिश को थोड़ा सा मैं ब्रेक कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके आज इसको अचारी अरबी बना के आपको खिलाऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ में, बनाते हैं इस अचारी अरबी को। थोड़ा सा ऑयल, ऑयल या देसी घी जो आपको अच्छा लगे इसमें बना सकते हैं। इसे मैं कोई गार्लिक, प्याज, जिंजर कुछ भी यूज़ करूँगा नहीं, क्योंकि ये अचारी है तो इसमें जो अचारी मसाला है मैं वही अचारी मसाला इसमें डालूँगा। यह है अचारी मसाला। इस अचारी मसाला में मैंने जो डाला है, साबुत धनिया है, सौंफ है और मेथी है और कलौंजी है। थोड़ा सा भूनूंगा इसको मैं और उसके बाद डालूंगा इसमें थोड़ी सी हींग। हल्दी, और मैं डाल दूंगा इसमें ये कटी हुई अरवी। थोड़ा सा इसमें डालूंगा नमक। इसे मैं थोड़ा सा चटपटा बनाऊंगा, क्योंकि ये अचारी डिश है तो अचारी जैसे अचार हमारा चटपटा होता है तो ये डिश भी मैं चटपटी ही बनाऊंगा। थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूंगा मैं पानी, थोड़ा सा डालना है बिकॉज हमें चिपचिपा नहीं करना है, हल्का सा पानी डालना है, 2 चम्मच से ज़्यादा ना डालें। थोड़ी सी डाल दूंगा इसमें मैं हरी मिर्ची। और इसको मैं ढक के पका दूंगा। तो इसे पकने में 10 मिनट लगेंगे, तब तक इसमें तैयारी करता हूँ इसको सर्व कैसे करेंगे। लास्ट जो मसाला इसमें डलेगा वो है अमचूर, जिससे कि इस अरबी का मज़ा ही अचारी जैसा हो जाएगा, क्योंकि फ्लेवर तो सारे अचारी वाले हैं लेकिन खाने में अगर अचारी वाला टेस्ट ना आए तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा इसमें मैं डालूँगा अमचूर पाउडर।
तो ये थी आज की रेसिपी अचारी वाली अरबी। आशा करता हूँ आपको ये रेसिपी भी उतनी पसंद आई होगी जितनी आपको मेरी पहले वाली रेसिपी पसंद आई है। ट्रस्ट मी, अगर आप ये अरबी आज इस तरीके से बना के घर में खिलाएंगे तो आपके चाहने वाले और आपके परिवार वाले आपको ज़रूर ये बोलेंगे कि आज अरबी खाने का मज़ा कुछ अलग था। तो देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ में कुक स्टूडियो में। मैं हूँ आपका शेफ़ एडी।